खबरें फटाफट में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश की ताजा अपडेट्स पर। मां नैना देवी में मेले के दौरान ट्रक, टेम्पो और ट्रैक्टर में नहीं आ सकेंगे श्रद्धालु, यात्रियों को छोटी गाड़ी या बसों के माध्यम से पहुंचना होगा। कुल्लू के जलोड़ी जोत में पहले नवरात्र में बर्फबारी, चांदी से सजा मंदिर। दुर्गा मां हाटकोटी में पहले नवरात्र को चढ़ी बुशहर रियासत की ध्वजा, श्रद्धालुओं की खूब उमड़ी भीड़। खुशवंत सिंह लिट फेस्ट के समापन पर कसौली पहुंचे अभिनेता राज बब्बर, सेल्फी लेने को फैंस में होड़। लाहुल में चरवाहे को ऐसी विदाई दी कि हर कोई हुआ हैरान, नेपाली मूल का नरेंद्र 6 महीने से कर रहा था लोगों के मवेशियों को चराने का काम। अब नहीं टपकेगी हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की छत, मरीजों को मिलेगी राहत, 1,36,00,000 रुपए से सुधरेगी दशा। 51 ब्राह्मणों के मंत्र उच्चारण के साथ चामुंडा मंदिर में नवरात्रों का शुभारंभ, सुबह से ही मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें। आयुष हेल्थ केयर सेंटर अधरंग मरीजों के लिए बना संजीवनी, 10 वर्षों में पैरालाइज के 30,000 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। शक्तिपीठ माता बालासुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में नवरात्र मेला का आगाज, उपायुक्त सुमित खीमटा ने लिया तैयारियों का जायजा। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में परफॉर्म करने के लिए चयन, आखिरी दिन बिलासपुर सहित अन्य जिलों के कलाकारों ने दिए ऑडिशन। कांगड़ा से जायका कार्यालय देहरा शिफ्ट करने पर भड़के किसान, अब सीएम से लगाएंगे गुहार। झंडा रस्म के साथ शक्तिपीठ ज्वालामुखी में शारदीय नवरात्रों का आगाज, मां के जयकारों से गूंज उठा दरबार। बिलासपुर में 10 दिवसीय 22वां शारदोत्सव एवं दुर्गा पूजा शुरू, रंग बिरंगे फूलों से सजा मंदिर। प्रदेश के 34 परीक्षा केंद्रों में हुआ जेबीटी टेट स्पेशल एग्जाम, 4,070 अभ्यर्थियों को जारी हुए थे कॉल लेटर। खबरें फटाफट में इतना ही, बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।